आफ्टर बी फार्मेसी इंडस्ट्री जॉब या मार्केटिंग जॉब, कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मर्सर एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली बी फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट, जिनका कि बी फार्मा अभी होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है या फिर आने वाले टाइम में उनका बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं बी फार्मा के बाद इंडस्ट्री जॉब करूं या मार्केटिंग जॉब, सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता है आपका ग्रेजुएशन होने के लिए और उसके बाद में दिमाग में एक ही चीज आती है, सर मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, सर थोड़ा सा एडवाइस जो है वो हमें दे दीजिए। देखिए मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूंगा, बी फार्मा जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करूं तो देखिए दोनों ही सेक्टर अपनी जगह बेस्ट हैं। इवन आप अगर मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं तो वो भी बढ़िया है, और अगर आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो वो भी बढ़िया है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि देखिए सिचुएशन डिपेंड करेगी। देखिए मैं आज जो आपको एडवाइस दूंगा उसमें मैं आपको दो सिचुएशन जो है वो बताऊंगा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि कौन सा क्राइटेरिया आपके लिए मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा कि सर मेरे लिए मार्केटिंग बेस्ट रहेगी, सर मेरे लिए इंडस्ट्री बेस्ट रहेगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहली बात तो देखिए बी फार्मा के बाद दो ऑप्शन बड़े जो आपके पास आते हैं, एक तो सर इंडस्ट्रियल जॉब जो है वो मेरे पास आती है, दूसरा मार्केटिंग जॉब। ठीक है, अब मेरा सजेशन ये रहेगा, देखिए अगर आप एक्चुअली इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो यहां से सीधा यहां पे आने के पहले आप एम फार्मा जरूर करें। उसका कारण क्या है कि सर देखिए क्या होता है इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपके R&D डिपार्टमेंट हो गया, आपका फार्मास्यूटिक्स वाला जो फॉर्मुलेशन वाला डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका पैकिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप एम फार्मा करेंगे, आप सूटिक्स में करेंगे तो F&D में जाएंगे, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे तो ADL में जाएंगे, ठीक है आप अपोलोजी में करेंगे तो क्लिनिकल रिसर्च में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको एम फार्मा जो है वो करना जरूरी है। और फिर क्या होगा, एक बार आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में आप रनिंग में एम फार्मा तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर आप एक अच्छे लेवल पर अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ऑल स्टूडेंट से ये रहेगा कि सर मैं एम फार्मा करूंगा फिर ही इंडस्ट्री में जाऊंगा, ताकि मुझे आगे जो है प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि क्या होगा जैसे ही आप बी फार्मा के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 से 3 साल बाद आपको ये रियलाइज जरूर होगा कि काश मैंने एम फार्मा कर ली होती तो आज मैं एक अच्छी जगह पे इसी कंपनी में लगा हुआ होता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एम फार्मा करने के लिए मेरे पास तो इतनी फीस नहीं है, सर मैं तो सीधा सीधा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता हूँ। तो देखिए अगर आप सोचते हैं कि सर मैं आगे और फीस देके एम फार्मा नहीं करना चाहता, तो भैया आपके लिए गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया चीज़ की है, आप जो है GPAT का एग्ज़ाम दो, GPAT का एग्ज़ाम दे के उसमें पास हो जाओ, और पास होके ही आप जो है 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और इस स्टाइपेंड से आपकी फ़ीस जो है वो पूरी पूरी निकल जाएगी, आपको पैसा एक भी देना नहीं पड़ेगा और आपकी एम फार्मा भी हो जाएगी। तो ये तो है स्मार्ट स्टूडेंट जो एक्चुअली एम फार्मा करना चाहते हैं और इंडस्ट्री में जाना चाहता है। अदरवाइज आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही नॉमिनल रहेगा अगर आप बी फार्मा के बाद इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो। अब सिचुएशन ऐसी डिपेंड करती है कि देखिए कि अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, ये स्टूडेंट मेरे हिसाब से मार्केटिंग उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर की फाइनेंशियल स्टेट कैसी है। अगर कोई स्टूडेंट सच में सोचता है कि नहीं सर मेरा बी फार्मा कंप्लीट हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं अपने फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे को तो पैसे की ज़रूरत है सर, मेरे को पैसा कमाना है और एक अच्छी जॉब जो है वो लेनी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो है वो मार्केटिंग है, क्योंकि जो मार्केटिंग में ज़्यादा आपको पैसा मिलता है इतना इंडस्ट्री में नहीं मिलता है शुरुआती तौर पर। फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बी फार्मा फ्रेशर है तो इंडस्ट्री में आपको नॉमिनल सी सैलरी मिलेगी, बट अगर आप बी फार्मा फ्रेशर है तो आपको मार्केटिंग में बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अब बात ये आती है सर कि बिल्कुल मैंने तो सेलेक्ट कर गया सर, मुझे तो मार्केटिंग करनी है, अब इसमें ग्रोथ कैसे लेनी है सर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही आप एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग करने लग जाते हो, उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए कि मुझे MNC कंपनी में, जैसे ही आप MNC कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना बी फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए कि सर मैं इंडस्ट्री में
जाऊं या मार्केटिंग में जाऊं। जी हाँ, तो कैसा लगा आपको मेरा सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट बी फार्मा फाइनल ईयर में है या फिर आने वाले टाइम में उसका फार्मेसी कंप्लीट होने वाला है, आपके भी दिमाग में ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है करियर को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।